through the 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 design of of his machine called analytical engine. So Charles Babbage gave the idea of building the modern computers. थ्रू द डिजाइन ऑफ हिस मशीन इंजिन की जो कंप्यूटरिटिकल इंजिन उसकी जो मशीन उसने बनाया था उसकी नाम है एनालिटिकल analytical engine आन, की जो बनाने के लिए वो उसने जो आइडिया बनाया है वो आइडिया ना आज की जमाने की जो कंप्यूटर है वो बनाने में

आंसर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ सक्सेसफुल वो सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि they had certain limitations. उनको ना कुछ कमियां थे एक उसको न, उस, ये जो कंप्यूटर वो रखने के लिए काफी स्पेस चाहिए था एक कमरा पूरा चाहिए था एंड वर एक्सट्रीमली स्लो बहुत ही स्लो था अगर कुछ कैलकुलेशन करते हैं वो इस्तेमाल करके आप ना कैलकुलेशन की रिजल्ट देने में काफी टाइम लगाता था नेक्स्ट एंड द वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड इन बर्न आउट फ्रीक्वेंटली ये ऐसा है आप कुछ काम करना शुरू हो जाएंगे वैक्यूम ट्यूब क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम था तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स दे वर इन सक्सेसफुल वो सक्सेसफुल नहीं रहा वो ना कामयाब नहीं रहा था नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज Why do you think third generation computers were better than second generation generation? So why you think third generation, second generation? Was better? Answer The third generation computers could hold a number of transistors and resistors than the second generation computers. It could increase the speed and efficiency of computers.

जो संख्या है वो ज्यादा था ज्यादा था मतलब वो आईसी इस्तेमाल कर रहे थे एक आईसी के अंदर ही काफी सारा रजिस्टर और uh, ट्रांसिस्टर आ जाता था तो इसमें काफी सारा था तो इसकी मेमोरी ज्यादा हो गया और इसकी स्पीड भी ज्यादा हो गया इट कुड इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर इसलिए कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ गया और एफिशिएंसी और एफिशिएंसी मतलब सही आंसर हमेशा देता रहा ठीक है सो इट कुड गिव दैट गि करेक्ट आंसर्स एंड very fast. that was the uh, advantages of third generation computer over second generation computers. Uh, fourth question. fourth question is which generation of computers are we currently in? name any two special features of this generation of computers of this generation. matlab. हम अभी कंप्यूटर की है ना कौन सी जनरेशन पर है और इस जनरेशन की कंप्यूटर की दो खासियत दो फीचर वो बताना है आंसर देखो वी आर प्रसेंटली इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स द फीचर्स ऑफ दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर सुपर कंडक्टर्स आर यूज टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दिस कंप्यूटर्स इन दिस कंप्यूटर्स द ऑप्टिकल फाइबर्स आर फाइबर फॉर सर्क्यूट तो इस आंसर देखो वी आर कैनली इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हम फिफ्थ जनरेशन तक पहुंच गया है द फीचर्स ऑफ दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर इस जनरेशन की कंप्यूटर है ना उसकी फीचर्स खासियत क्या क्या है एक सुपर कंडक्टर्स आर यूज इसमें सुपर कंडक्टर्स इस्तेमाल कर किया है टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए मतलब वो कंप्यूटर को ना अपने आप सोचने की पावर देने के लिए हम इसमें सुपर कंडक्टर्स वगैरह इस्तेमाल किया है इन दिस कंप्यूटर्स दी ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर सर्क्यूट अब सर्क्यूट बनाने के लिए पहले है ना देखो कुछ मेटल लोहा इस्तेमाल करता था तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लास है ना जिसके अंदर से बहुत ए, जल्दी लाइट चली जाते हैं मतलब ए, ए, क्या बोलते हैं डेटा चली जाता है ऐसे है ना जो केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलते हैं वो वाला इस्तेमाल करते किया है अब देखो जब ये बात मैं बोला है ना आपको फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में नहीं है सभी है हमारे पास जो कंप्यूटर है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर नहीं है हम हम जो कंप्यूटर आपने देखा है वो सभी फोर्थ जनरेशन में ही चल रहे है। लेकिन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर भी बना लिया है ना किसी किसी के पास है कुछ लेबोरेटरीज ले में कुछ साइंटिस्ट के पास वगैरह वो है दैट्स इट सो वी वी आर हैव हैीच द फिफ्थ जनरेशन लेकिन हम सभी के पास वो आया नहीं है अभी ठीक है आ जाएंगे जैसे आप बड़े हो जाएंगे शायद आप फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ही इस्तेमाल करेंगे सो दैट लेसन तो अब आपको है ना ये दोबारा सुनना है तो आप दोबारा सुन लीजिए और है ना ये अच्छे से पढ़ना है तो इस चैप्टर का टेस्ट मैं पहले ले लिया था अब मैं इकट्ठे है ना दोनों चैप्टर का फिर एक बार लेंगे नेक्स्ट लेसन भी इस तरह ना मैं आपको वीडियो भेजेंगे थोड़ा आपको चैप्टर समझाएंगे ओके Thank you.